राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए हैं। पीएचईडी के एसीएस के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने सच बेधड़क के संवाददाता लोकेश ओला से खास बातचीत की। तमाम आरोपों पर मंत्री महेश जोशी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जेजेएम में घोटालों का आरोप लगाया है और विभाग के तमाम अधिकारियों के ऊपर शिकायतें दर्ज की गई है। जलदाय मंत्री महेश जोशी हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, किरोड़ीलाल जी ने जो आरोप लगाए हैं, जेजेएम को लेकर लगाए हैं, विभिन्न फर्मों को लेकर लगाए हैं, क्या मंशा होगी उनकी? देखिए, हमने 16,500 करोड़ के काम करवाए, 31 लाख से अधिक हमने कनेक्शन दिए। हमने बताया कि हम पूरे देश में हमारी प्रगति अच्छी है और एनजेजेएम जो लगातार मॉनिटरिंग करता है, लगातार गुणवत्ता की जांच करता है, पूरे काम की मॉनिटरिंग करता है, एनजेजेएम ने हमारे किसी काम पे आज तक आपत्ति नहीं करी और किरोड़ी जी आपत्ति कर रहे हैं। एक फर्म को लेकर उन्होंने आरोप लगाए हैं, उस फर्म की हमने जो पहले भी जाँच आई, डिपार्टमेंट ने जाँच की, कोई लेटर आया दोबारा जाँच करेंगे। हमने फर्म से एफिडेविट ले रखा है डिपार्टमेंट ने कि भाई ये अगर कोई दस्तावेजों में कोई कमी पाई गई, कोई झूठा पाया गया तो फर्म खुद जिम्मेदार होगी। हम कोई हमारे पास दस्तावेज आता है उसकी जांच कराने के अलावा हम क्या करेंगे? हमने जांच कराई, फिजिकल भेजा हमारे एक्सीएन को, हमारे एक्सीएन ने उसको कंफर्म किया, फिर भी हमने एफिडेविट लिया कि भाई कोई शिकायत आई है, एक्सीएन ने कन्फर्म कर दिया तो भी हम एफिडेविट ले रहे हैं कि कोई दस्तावेजों में कमी पाई गई, कोई झूठा पाया गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। टेंडर प्रक्रिया में एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें केंद्रीय मंत्रालय की ओर से भी निर्देश भेज जाते हैं, अब तक किसी तरह की उनकी ओर से आपत्ति आई? आज तक कोई आपत्ति टेंडर प्रक्रिया में नहीं आई। टेंडर प्रक्रिया में रेट दरें ज़्यादा आने की आपत्ति आई थी हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमने सारे टेंडर निरस्त कर दिए। इसके अलावा कोई आपत्ति किसी भी सरकारी विभाग की अभी तक नहीं मिली। क्या मंशा होगी किरोड़ीलाल जी की जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, वो पॉलिटिकली ब्लैकमेल करते हैं, पॉलिटिकली अपने आप का, अपने वजूद के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अपना वजूद दिखाने के लिए वो ये सब करते हैं और पहले भी करते रहे और आज भी कर रहे हैं। आपके ऊपर पहले भी आरोप लगाए थे, वो भी जाँच चल रही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ जो पहले आरोप लगाए वो भी झूठे पाए जाएंगे और दावे के साथ ही कहता हूँ ये जो आरोप लगाए ये भी झूठे पाए जाएंगे। पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग किस तरह की हो सकती है उनकी? ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है, अपने आप को बनाए रखने के लिए वो ये सब हथकंडे अपना रहे हैं और जनता सब देख रही है। क्या गजेंद्र सिंह को खुश करने के लिए? हाँ, मैंने कहा कि गजेंद्र सिंह जी को खुश करना चाहते हैं क्योंकि गजेंद्र सिंह जी हमेशा राजस्थान को पिछड़ा हुआ बताते हैं। हमने प्रूव कर दिया कि राजस्थान पिछड़ा हुआ नहीं है जेजेएम में, तो वो गजेंद्र सिंह जी को खुश करने के लिए इस तरह का आरोप लगा सकते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने के बाहर भी बैठे? हाँ, वो उनकी इच्छा है। जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगी, जो वो करना चाहते हैं करें। व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं तो आपका क्या स्टेप रहेगा? मैं देख रहा हूँ, अगर वो मेरे खिलाफ कोई आरोप लगा रहे हैं, अगर मानहानी के उसमें परव्यू में आते हैं तो मानहानी का मुकदमा भी करूँ। तो ये थे मंत्री महेश जोशी, जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि अगर किरोड़ीलाल लगातार आरोप लगाते हैं तो मानहानी का भी मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जयपुर से भूपेंद्र के साथ मैं लोकेश ओला, सच बेहतर।